हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जयदीप सर मैथ्स मेनिया। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 1 रेशनल नंबर्स। बच्चों, आपने अपने स्मॉलर स्टैंडर्ड में 6-7 स्टैंडर्ड में नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा, तो आज हम पहले वो बेसिक के बारे में बात करेंगे जो आप पढ़ चुके हो वो, और आप जो नहीं जानते हो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सी, आपका फर्स्ट चैप्टर है रेशनल नंबर। सबसे पहले नंबर्स के बारे में आप कितना पढ़ के आए हो उसकी बात करेंगे हम, और आप ही आगे क्या पढ़ोगे उसकी भी बात करेंगे। तो नंबर्स को हमने यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड किया है। इसके अलावा भी हम इसका डिवीजन अलग अलग पार्ट में कर सकते हैं, बट अभी आपको इतना ही पढ़ना है, इसलिए मैंने इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू इनफाइनाइट जाते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मीन्स जिसका कुछ एंड ही नहीं है, हमें पता नहीं कि कहां जाके वो रुकेगा, उसे हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट। तो 1 से स्टार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। उसके बाद आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में डिफरेंस क्या है? तो होल नंबर कहां से स्टार्ट होंगे? 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है? एक ही डिफरेंस है, होल नंबर कहां से स्टार्ट होगा? 0 से, और नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। उसके बाद आते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में हम माइनस वाले डिजिट्स को भी काउंट करते हैं, 0 को भी काउंट करते हैं, और प्लस वाले डिजिट को भी काउंट करते हैं, जैसे कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है? तो हम कोई भी होल नंबर होगा उसे इंटीजर्स बोल सकते हैं, बट इंटीजर्स को होल नंबर नहीं बोल सकते। जैसे कि -3 है तो उसे हम होल नंबर नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि -3 होल नंबर में नहीं आता है, ठीक है? वैसे ही हम हर एक नेचुरल नंबर को इंटीजर्स बोल सकते हैं। उसके बाद आते हैं रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर के बारे में हम बहुत ही डीप में जाएंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने डिफाइन की है रेशनल नंबर्स की, अ नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q। कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं? p/q। सी, जो नंबर्स को हम p/q फॉर्म में लिखते हैं, वह p क्या होता है? न्यूमरेटर। ऊपर जो डिजिट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और नीचे जो डिजिट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर, ठीक है? तो जो भी नंबर को हम p/q फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं उसे क्या बोलेंगे हम? रेशनल नंबर। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। आपको खास ये कंडीशन को याद रखना है कि q इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अभी कोई भी डिजिट है, जैसे कि 25 के नीचे अगर 0 आया, q को हमने 0 मान लिया, तो 25 को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है? क्योंकि ये वैलिड नहीं है। कोई भी डिजिट को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पर हमें एक कंडीशन खास याद रखनी है कि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आएगा। तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं हम? रेशनल नंबर। जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई कोई एग्जाम्पल लिखे हैं, -2/3, 6/7, 9/5 एटसेट्रा, ठीक है? अभी उसके बाद हम अलग अलग नंबर्स की बात करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 25, तो 25 क्या रेशनल नंबर है? अगर आपको मैंने पहले पूछा तो आप क्या बोलोगे? नहीं, 25 रेशनल नंबर नहीं है, 25 नेचुरल नंबर है, या 25 होल नंबर है, या 25 इंटीजर है। बट 25 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर कुछ भी नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है? नीचे 1 लिखने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 25 को 1 से हम डिवाइड करेंगे, आंसर ऐसे ही से आने वाला है। तो कोई भी डिजिट के नीचे अगर कुछ भी नहीं है तो उसे हम 1 लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में, ठीक है? वेयर 25 इज अ पी एंड 1 इज अ क्यू, ठीक है? सेम फॉर 0, बट अगर 0 न्यूमरेटर में है, 0 इज ऑल्सो रेशनल नंबर, 0 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि आंसर क्या होगा? 0 ही होगा, ठीक है? तो 0 इज ऑल्सो रेशनल नंबर, बट 0 इज पी एंड 1 इज क्यू। हमारी कंडीशन क्या थी कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, बट न्यूमरेटर में 0 हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स? तो रेशनल नंबर क्या आपको अभी ख्याल आ गया होगा ऐसा मैं समझता हूँ, ठीक है? कि जो नंबर को हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। नाउ वन स्टेप अहेड, जो आप अपने स्मॉल स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, बट फिर से हम यहाँ पे उसको रिमाइंड करेंगे, ठीक है?
सी 3/8 प्लस माइनस 5/7। अगर हमें एडिशन करना हो डिनोमिनेटर में दोनों डिजिट अलग अलग हो तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, डिनोमिनेटर को सेम करने का। डिनोमिनेटर को सेम कैसे किया जाता है, तो हम क्या करेंगे 8 और 7 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, नाउ सी 8 कौन से टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 2 4 साइड 7 एज इट इज, 2 2 सा 4 7 एज इट इज, 2 1 सा 2 7 एज इट इज, देन 7 1 1। तो एलसीएम क्या आया हमारा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, 2 2 सा 4 2 सा 8 मल्टीप्लाई 7, 8 7 सा 56। ठीक है, 8 7 सा 56, तो हमारा एलसीएम क्या आया 56। नाउ हमारा काम क्या होगा, दोनों के डिनोमिनेटर में क्या लाना पड़ेगा हमें 56। तो हम कैसे लाएंगे देखिए, यहां पे 3/8 इसे एज इट इज लिख लो, प्लस माइनस 5/7 इसे भी एज इट इज लिख लो। नाउ डिनोमिनेटर में हमें क्या लाना है 56। ठीक है, तो सी हम 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा, तो 8 7 सा 56। अगर हमने डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमेरेटर में भी क्या करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम यहां पे 7 8 सा, तो यहां पे भी क्या होगा 8। ठीक है, तो 3 7 सा क्या होगा 21 अपॉन 56 प्लस माइनस 40 अपॉन 56, 8 5 सा 40 बट प्लस माइनस माइनस। नाउ दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो गए सेम, डिनोमिनेटर को वन टाइम लिखो, यहां पे 21 प्लस माइनस 40, तो 21 प्लस माइनस माइनस 40 अपॉन 56, तो ये क्या होगा माइनस 19 प्लस माइनस माइनस, साइन इज ऑफ बिगर डिजिट, तो क्या होगा माइनस 19 अपॉन 56। ठीक है, ये है हमारा आंसर। नाउ सी सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर, सेम मेथड होगी एडिशन जैसे ही, बट यहां पे क्या करना होगा सब्ट्रैक्शन। तो फिर से एक बार ध्यान दीजिए, यहां पे पहला काम क्या है हमारा 7 और यहां पे क्या है 3, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा सेम करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक एलसीएम ऑफ 7 एंड 3। ठीक है, नाउ कैसे लेंगे, तो 3 7 ही आएगा, 3 1 सा 3, नाउ 7 1 सा 7, तो 3 मल्टीप्लाई 7, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा 21, हमारा एलसीएम क्या आया 21। नाउ दूसरा काम क्या होगा, दोनों के डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए 21। ठीक है, तो 21 लाने के लिए क्या करना होगा, माइनस 5/7 माइनस 2/3 मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 21 लाने के लिए 3 से, वैसे भी यहां वैसे यहां पे भी क्या करेंगे 3 से, 3 7 सा 2 7 सा। ठीक है, नाउ सी 5 3 सा 15, 7 3 सा 21 माइनस 2 7 सा 14, 7 3 सा 21, दोनों के डिनोमिनेटर में 21 है, 21 वन टाइम लिखेंगे, माइनस 15 माइनस 14, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो माइनस 29 डिवाइड बाय 21 एंड इट इज आवर आंसर। ठीक है, तो रेशनल नंबर का एडिशन करेंगे तो भी हमें रेशनल नंबर मिलेगा, रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है और जैसे जैसे एक्सरसाइज करते जाएंगे तो आपको बहुत डीप में भी ख्याल आता जाएगा। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस आप करते रहना अपनी टेक्स्ट बुक या प्रैक्टिस बुक में से। नाउ सी मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर में क्या करते हैं, ये तो बहुत ही इजी चीज है। मल्टीप्लीकेशन में क्या करेंगे हम, अगर कुछ कट नहीं हो रहा है ठीक है, तो क्या करेंगे ऊपर ऊपर का न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन। नाउ सी हियर 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 95 सा 45 से ऊपर नीचे 99 कट हो जाएगा। ऑलवेज याद रखना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ही कट होगा। ठीक है, कभी डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर नहीं कट हो सकते, अगर यहाँ पे ऐसा होता 2
बाय 9 मल्टीप्लाई 8 बाय 45, तो हम ऐसे नहीं कट कर सकते, ये गलत है, ठीक है, ऊपर नीचे ही कट होगा। तो सी प्लस माइनस माइनस 25 का माइनस 25 का 10 प्लस माइनस माइनस 10 डिवाइड बाय 8। अगेन सी 25 का 24 का 22 काट, ऊपर क्या बचा माइनस 5, नीचे क्या बचा 4, इट इज अवर आंसर, ठीक है। देन लास्ट डिवीजन ऑफ रेशियो नंबर इज आल्सो वेरी इजी। एक ही स्टेप इसमें याद रखना है कि जब भी डिवीजन हो तो हम डिवीजन नहीं कर पाते, हम क्या करेंगे डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, ताकि वो इजी हो जाए। तो हमारा काम क्या होगा, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन का साइन कर दो। अगर यहाँ पे डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन साइन किया तो डिनोमिनेटर न्यूमेरेटर में जाएगा, न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर में आएगा, तो 35 डिवाइड बाय 12, ठीक है, क्या होगा, डिनोमिनेटर से था वो न्यूमेरेटर में गया, न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर में। नाउ सी 35 को हम क्या लिख सकते हैं, 75 का 77 काट, ऊपर क्या बचा 55 का 25, इट इज माइनस 25 डिवाइड बाय 12 एंड इट इज अवर आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा डिवीजन भी यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद के वीडियो लेक्चर में हम अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे, ठीक है, बट अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर नहीं समझ में आया हो कोई भी चीज तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखो और समझने का ट्राई करो। थैंक यू स्टूडेंट्स।